और इसमें मेहनत इसका भी है जो आ रही है, कुछ नहीं है उसका मेहनत, वो नहीं करती कुछ भी नहीं करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल दे रहा था ये तो हमेशा सोए रहती है। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं करीबन आज 6 बजे उठा था, आज उठने थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि कल रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और एक्चुअली में इतना ज़्यादा गर्मी था कि नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, प्लस जो है अभी मैं जल्दी भी उठा और अभी भी मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो कल की वीडियो तो मैंने डाल दी थी रात में ही और वो 7 बजे पब्लिश भी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा फटाफट काम कर लेता हूँ उसके बाद नहाने जाता हूँ। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के अपने कैफ़े पर आ चुका हूँ क्योंकि मैं आज जल्दी उठा था इस वजह से, और मैंने काम स्टार्ट अभी कर दिया है अपने कैफे में। तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, उसके बाद मैं उधर नाश्ता करने के लिए जाऊँगा क्योंकि अभी नाश्ता बनी नहीं है एक्चुअली में, तो नाश्ता जब तक बन जाती है उसके बाद मैं जाऊँगा उस तरफ। नाश्ता जो है आ चुका है, देख सकते हो कि ये चना अभी मैं खाऊंगा क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा चना जो है छूट गया था खाने, तो फिलहाल मैं चना खा लेता हूँ। लेकिन मिर्चा नहीं देना चाहिए था इनको, सुबह सुबह मिर्चा दे दिए। अभी करीबन 3:45 हो रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि कैसा मौसम कर दिया है, एक तरह से लग रहा है कि बारिश की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पूरा देख सकते हो बादल छाए हुए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर आके यहाँ पर डेली आते रहते हैं ये बच्चे, और यहाँ पर जो तूत है खाने के लिए आते रहते हैं। अरे कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, नहीं खाई वो तूत, नहीं खाई वो तूत, सॉरी गला तब हाइट के जाओ, तब बीते घर चले जाओ, बीते घर दुई भाई क्या गा। और ये दो बच्चे के लिए आया हुआ था लेकिन अभी मिला नहीं, तो ये लोग घर जा रहा अभी। घर के सामने वाला ही बच्चा लोग है, ये डेली आता ही लोग। शाम के 5:30 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ इधर थोड़ा सा, इधर आप देख सकते हो कि यशोदा कैसे बागवानी कर रही है और पता नहीं क्या क्या लगाई हो, बता दो। इधर आप देख सकते हो कि इधर बैगन बैगन लगाया गया है और उस साइड में टमाटर है, 2-4 फले हुए हैं। तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ अभी क्या बागवानी चल रही है। और ये जो खाद दिया गया है आप देख सकते हो, ये गोबर वाला है खाद जो कि अच्छे तरीके से, जब ये हम लोग खाद देते हैं तो खाद से अच्छा ग्रोथ करता है। ये वाला कौन सा है, ये तो दिख ही रहा है बैगन है, धतूरा है, बैगन टाइप के सेम टू सेम दिखते हैं, उस पर काटा नहीं है बस। और ये देख सकते हो कि बैगन सारे हैं, बैगन बाद बाकी जो ये है साग है, कुछ क्या साग है ये सब छोटा छोटा, हरी भजिया है देख सकते हो। ये टमाटर 2 फले हैं और मिर्चा, सॉरी ये देख सकते हो मिर्चा 1 फला हुआ है, और उस तरफ है 1 फला हुआ है आपका टमाटर, मात्रा 1 ही है। और इस तरफ क्या लगाया गया है, इधर लाल भाजी और इधर लाल भजिया यहाँ पर दिया गया है, और उस तरफ है उसका बीज वहाँ पर बोया गया है, उधर क्या है पालक है, तो दोनों साइड में दिया गया है। तो 2-4 दिन लगेंगे इसमें निकलने के लिए क्योंकि अभी तो फ़िलहाल दिया जा रहा है, धीरे धीरे निकल जाते हैं ये सारे। थोड़ा बहुत अपने घर में खाने के लिए ये हम लोग सब्जी जो है थोड़ा सा लगा रहे हैं, और इसमें तो मेरा कोई सहयोग नहीं रहता है, बस ये कर रही है। और थोड़ा सा हम लोगों का पंप जो है ख़राब हो जाने के कारण हम लोगों को रस्सी से ही उठाना पड़ रहा है पानी।
और इसे हम लोग उड़िया भाषा में हम लोग कुंदरी बोलते हैं, और मुझे हिंदी में नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। और ये वो सब तरफ फैला हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे हम आप लोगों को ब्लॉग में। और इसमें मेहनत इसका भी है जो आ रही है, कुछ नहीं है उसका, मेहनत वो नहीं करती, कुछ भी नहीं करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल दे रहा था ये तो हमेशा सोए रहती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, देख रहे हो इतना बाल्टी में पानी उनी। हाँ, कुंदरू, ओहो, नेट में सर्च गूगल बाबा ने बताया कि कुंदरू है इसका नाम, तो मुझे तो अभी भी मतलब नहीं लग रहा कि क्या है क्या नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं तो। और यहाँ से ये जाली फिट करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ से अगर जाली फिट करके रखेंगे तभी कोई मतलब जैसे कि मुर्गा मुर्गी आते रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ से घुस नहीं पाएंगे, इसलिए इसका हम लोग पूरा घेरा बना के रखे हुए हैं, इससे वो घुस नहीं पाएंगे। और अच्छे तरीके से जितने भी पौधे हैं जो बड़े होंगे अच्छी तरीके से, नहीं तो बहुत सारे बकरी भी हम लोग के यहाँ घुस जाते हैं और वो खा जाते हैं, तो फिर वो इतना सारा मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ नहीं है, बस खाली गोबर है, धनिया, और वो देख सकते हो कितना ज़्यादा खाद है। एक्चुअली में रियल खाद बोले तो वही है, गोबर से ही सारा कुछ होता है, और गोबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो गाय वाला होता है गोबर। और बीच में ये पपीता का पेड़ है, लेकिन एक भी पपीता नहीं फला है, खाली लंबा होते जा रहा है, अभी तक फला नहीं है एक भी तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ अभी, और मेरा मुँह धोना हो चुका है, और उधर चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद दुकान में बैठना होगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मामा जी आए हुए थे तो उनसे बातचीत कर रहे थे हम, तो फिलहाल तो आते हैं घर की तरफ। ये मेरा चश्मा को पहुँचने वाला है और मैं इसको ले जाता हूँ, एक तरह से टिशू ही है पूछने वाला, क्योंकि ये छूट गया था तो उधर लेके जाता हूँ मैं। और अभी 5:47 हो चुके हैं और अभी मैं इधर आ चुका हूँ, और थोड़ा सा लेट हो गया आज क्योंकि थोड़ा सा मामा जी आए हुए थे तो उनसे बातचीत करना हो रहा था, मेरा काफ़ी दूर से आए थे एक्चुअली। मैं मेरा मामा घर बलांगीर है जो कि उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा राज्य पड़ता है, तो वहाँ से आए हुए थे और अभी सरायकेला गए हुए हैं और वहाँ अभी होल्ड करेंगे सरायकेला में, तो अभी तो फ़िलहाल मैं दुकान में थोड़ा सा बैठता हूँ। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं उधर घर की तरफ था, मेरा डिनर हो चुका है, लेकिन क्या है कि वहाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना गर्मी लग रहा है कि क्या बताएं, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर में निकला तो बाहर भी देख रहा हूँ कि वैसे ही माहौल है, और हम लोगों का क्या है कि खटिया है नहीं, तो मैं बाहर में नहीं तो यहाँ बिछा के सो जाता, और जो खटिया है उसमें वो मैं कह नहीं सकता वो खटिया में बहुत सारे खटमल हैं, तो उसमें सोना यानी कि अपना जो है नींद हराम करना है, तो उसमें एक्चुअली में सोना है नहीं मुझे, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इधर बाहर में हूँ, थोड़ा सा हवा खा रहा हूँ, थोड़ा देर बाद मैं घर जाना ही होगा मुझे क्योंकि वहाँ सोना पड़ेगा मुझे। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और आज की वीडियो की मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।